अस्सलाम वालेकुम, हाय सेमी किचन में आपका स्वागत है। आज की हमारी जो रेसिपी है वो शाही दम आलू। इसके लिए हमने 250 ग्राम आलू लिए जो हमने बॉईल करके छील के रखे हैं, और उनसे फ्राई कर लेंगे। हमारे आलू हल्के फ्राई हो गए, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमने 2 टीस्पून तेल लिया है, उसमें 1 पिंच के बराबर हींग डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1 डंडी प्याज के लिए। हमने रफली चॉप किया इसको, प्याज को मीडियम टू लो फ्लेम से इसको फ्राई करेंगे। प्याज में हल्की ब्राउन कर दें, इसमें काजू 5 से 6 दाने डाल देंगे। इसमें 3 हरी मिर्चें डालेंगे और 1 टमाटर डालेंगे। जरा सा पानी डाल के, 1/2 कप पानी डाल के इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। हमारे 5 मिनट हो गए, अब उसमें मसाले डाल देने का है। वन टी स्पून हम धनिया डालेंगे, धनिया पाउडर। 1 टी स्पून हम लाल मिर्ची डालेंगे, 1/2 टी स्पून हम धनिया हल्दी पाउडर डालेंगे। नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। इसकी फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, थोड़ा ठंडा करके इसको इसका पेस्ट बना लेंगे मिक्सर में। ये हमने ऑयल 3 टीस्पून ऑयल लिया है, उसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक डालेंगे। पेस्ट डाल देंगे जो हमने पेस्ट बनाया, प्याज टमाटर का और काजू का जो पेस्ट बनाया, सारे मसालों का। और इसमें 2 टीस्पून हम दही डालेंगे।
इसका फ्लेम हाई कर देंगे, बीच बीच में हम लो करते रहेंगे इसका फ्लेम। अब हम इसमें क्रीम डालेंगे, तो क्रीम की जगह मैं इसमें मलाई डालूंगी। आप चाहे तो क्रीम भी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ। 1 टीस्पून हमने इसमें मलाई डाली। मसाले हमारे अच्छे भून गए, अब तो हम इसमें आलू डालेंगे। थोड़ा सा सिका हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला। देखिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, आधा कप के करीब, आधा कप से थोड़ा ज़्यादा, उसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। पाँच मिनट हो गए हमारे, बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है। हम इसे धनिया से गार्निश करके डिश आउट करेंगे। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और डिश आउट कर लेते हैं। हम उसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डाल देंगे, यानी घर की मलाई। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और हमें अपनी दुआओं में शामिल करिए। अल्लाह हाफिज़।